हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। चले जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज है संडे, हैप्पी हैप्पी संडे। और आप बताएं, आपका संडे कैसे गुजर रहा है और कैसा रहा आज का दिन? मेरा तो तकरीबन एक वीक से बस प्लान चल रहा था बालों पे ऑयल लगाना। और गर्मियों में बालों पे ऑयल लगाएं, पता नहीं क्यों ज़्यादा गर्मी लगती है, इस तरह चिपचिपा सा फील होता है। सो आज मैंने सोचा था भाई, सुबह उठ के सबसे पहले ना बालों पे ऑयल लगाना और कोई काम नहीं करना। तो अभी मैं खुद ऑयल लगा रही हूँ, पर मेरा दिल कर रहा है कोई मेरे बालों पे ऑयल लगा दे। सो इतना ज़्यादा मैंने ऑयल, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रिजी और इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो मेरा दिल कर रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लगाऊँ, और पीछे से भी बाल मेरे इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, क्योंकि केयर नहीं की जाए तो फिर ऐसे ही होता है। सो अभी मम्मा को मैंने बोला, मम्मा आप मेरे बालों पे ऑयल लगाएं। पता नहीं क्यों मुझसे लग ही नहीं था रहा काफ़ी देर बाद, क्योंकि बंदा खुद लगाता रहे करता रहे ना कोई काम तो फिर बंदा होता है। तो आज काफ़ी टाइम तो हाथ लगाने लगे, मैं कहा मम्मा आप मेरे बालों पे ऑयल लगाएं। तो मम्मा कहते चले जी लगाते हैं जी। मम्मा कहते शुक्र है तुम भी ऑयल लगाने लगे। और जो हमारी मोम्स लोग होती हैं ना, वो ये कहती हैं कि भाई अब तुमने नहाना नहीं है, एक दिन ऑयल को पूरा सर में रखना है, या रात को लगा के भाई सुबह बार वॉश करना है। मैं कह ना मम्मा जी, ऐसा नहीं होने वाला। तो आज तो मैंने सरसों का ही ऑयल लगाया है, सुल्तान वालों का। ये भी ऑयल अच्छा होता है, पर मेरा दिल करता है कोकोनट ऑयल लगाऊं, उससे ज़्यादा मेरे बाल अच्छे होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं वो ही लगाती रही हूँ ना, तो इसलिए उससे अच्छी फीलिंग्स आती है। और इतनी देर हो गया, बालों पे कोई मार्क्स वगैरह कोई चीज़ नहीं, असटा कुछ भी नहीं भाई किया, तो बहुत बुरा हाल है। और इतना मज़ा आ रहा था मम्मा से ऑयल लगवाने का। भाई संडे की शुरुआत अच्छी हुई है, अब संडे भी अच्छा होगा। और इतना ज़्यादा तेल लगाया, मेरे मुंह पे भी लग गया, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ज़्यादा तेल ऑयल लगाने की आदत है। और मैं 11 बजे उठी थी भाई, ऑयल लगाते लगाते व्लॉग बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और कोई नहीं भाई, 12 बजे हमारा नाश्ता स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें गर्म गर्म खाने की आदत है और गैस 12 बजे आती है। किसी का दिल कर रहा है ऊपर आने का। आजो आजो पापा, चढ़ना सुना ये देखिए, सिस्टर टाइम। सिस्टर टाइम वॉक कर रही हूँ, अपने हाथ पीछे करो भाई। मैं तुम्हें बोल रही हूँ हाथ पकड़ो, और तुम बोल रही हो हाथ पीछे करो। हाथ पकड़ लेते हैं ना गाइस, लाइट गई हुई थी, ऊपर हम आए हैं और वॉक कर रहे हैं। तो गाइस कल रैंडमली सिस्टर टाइम हो गया, मैं ऊपर गई, शिकायत गई, हमने इतनी बातें की, इतना मज़ा आया। और ये सारे क्लिप जो है ना कल शाम के, मतलब संडे के नहीं सैटरडे के थे, बड़ा मज़ा आया था कल भाई। और गाइज मैं पूरा दिन जूता नहीं पहनती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ना नंगे पाँव चलने की आदत है। और मैं गर्म ज़मीन होती है आजकल, तो मेरे पाँव इतने गर्म हो जाते हैं और मैं ठंडा पानी डालती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, ये किस किस को आदत है। और अभी आज संडे था भाई, क्लीनिंग किया है सारे घर की मम्मा के साथ, तो अभी मैं पानी डाल रही हूँ, बड़ा मज़ा आता है ये करने। और गाइस अभी मैं शावर लेके आई हूँ, और मैंने बाल जो है वॉश नहीं किया, क्योंकि मम्मा ने बोला है अभी रात तक ना, मतलब बालों में जो है ना ऑयल रहने दो। फिर मैंने भी सोचा ठीक मम्मा कह रही है, क्योंकि अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो वॉश करना सही नहीं है। और वैसे भी, और मैंने एक नोटिस किया, जहाँ मेरे बाल होते हैं वहाँ मेरे फेस प्यारे लगते हैं, जिस साइड पर बाल नहीं होते वहाँ से प्यारा नहीं लगता। मैं अभी सोचूँ कोई ऐसा न्यू हेयर कट करवाऊँ जो ना मेरे मतलब दोनों साइड बाल हो, इस साइड पर भी आएँ इस साइड पर भी आएँ। फिर मतलब गाइस आज मैंने कितने टाइम बाद भाई टैंक पिया, कितना हम बचपन में पीते थे, कितने मज़े का आता था, इसका कलर कितना भाई, मुझे ना वो ज़्यादा पानी वाला पसंद नहीं है। मैं क्या चले आज टैंक पीते जमे श्री नहीं चले जी।
कल सुबह मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसकी तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो अभी मेरा दिल था बोली खाने का, पर क्या हुआ है गैस चली गई है। चले उसके बाद अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है फारिग, जिसके अंदर मैं ना आगे सोचती हूँ, मतलब मैं नेक्स्ट वीकेंड क्या करूँगी, क्या क्या 3-4 रूटीन्स हैं जो मैंने करनी है। मतलब इस वीकेंड की जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना, जिसे मैंने फॉलो किया है, जिसे मैं देखती रही हूँ, मतलब उसकी वजह से मुझे बड़ा हुआ है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की है, हैप्पी मूड रहा है, रिस्पेक्ट किया है, फैमिली टाइम दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखने से ना बंदा ज़्यादा इस पे वर्क कर लेता है। मैं उन लोगों में से, उन बच्चों में से हूँ जो जिसकी बुक्स जो होते हैं ना, खास करके लड़कियों की जो बुक्स है ना, वो गंदी नहीं होती। और मेरी बुक्स ये होते थे, सारे सारे मैंने हाईलाइटर्स किए होते थे, लाइंस लगाई होती थी, जो जो लाइन पढ़नी है उसके नीचे भाई लाइन लगी होती लेड पेंसिल से। वो इस वजह से मैं पढ़ती थी या बुक्स खोलती थी, मुझे ऐसा फील होता था यार मैंने पढ़ी हुई है, ये गंदी बुक्स है, मतलब अपनाइयत फील होती है। पता नहीं क्यों मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे ऐसा कौन कौन करता है। गाइज और आप बताएं आपका संडे कैसे गुजर रहा है। भाई आज मेरा संडे तो नॉर्मल ही रहा है, ज़्यादातर कामों में गुजरा है। इतने मतलब बंदा सोच नहीं सकता है, काम कहाँ कहाँ से आ जाता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई सर पे बर्डन हो जाता है, भाई ये करने करना है, और वो भी किसी के नहीं, जस्ट अपनी, मतलब हम अपनी सेल्फ के लिए भाई इतने काम निकल आते हैं। चले गाइस मैं आपको दिखाती हूँ इस वीकेंड डू लिस्ट में मैंने क्या क्या ऐड किया है। मैंने ना कोई एक लिस्ट देखनी है जिसमें सारा रेडी हो, वीकेंड डू लिस्ट, उस टाइप की बड़े मज़े की आती है, मतलब अच्छी चीज़ों को वैसे ही अच्छी लगती है। चले मैं अभी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है, भाई इस वीकेंड मैंने क्या करना है। चले गाइस जो मैंने वीकेंड डू लिस्ट बनाई थी वो सारा सही हुआ है, कि इस लिस्ट की वजह से मैं हैप्पी मूड में रही हूँ। मैंने प्रे किया है, मैं क्राई नहीं की, पर मैं 2 दफ़ा रोना रोई हूँ, मतलब एक मूड्स हो गया। स्किन केयर किया है, वॉक किया है, फैमिली टाइम, क्लीन ईटिंग, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन से मैंने जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग किया, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीक है ना, क्योंकि आज संडे है, तो मैंने लिस्ट पहले रेडी कर लिया, वो ये होगा मेरा। ये मेरी भाई पानी में गिर गई थी, तो उसके अंदर से पानी निकल रहा था, इसलिए ये पानी हो गया। वीकेंड लिस्ट, भाई स्लीपिंग करनी है टाइम से, ये सबसे मुश्किल काम है। स्किन केयर करनी है, वो भी हो जाएगी। फाइबर फूड ईटिंग, भाई जितना हो सके फाइबर फूड ईटिंग करनी है, भाई सलाद वगैरह, बंद गोभी वगैरह, पालक वगैरह, ये खानी है। वर्कआउट करना है, और स्क्रीन टाइम जो है ना कम देना है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 भाई ये मेरे टास्क है। देखिए अब मैं कर सकती हूँ कि नहीं, चले जी इसे ऐड कर देती हूँ। और ये मुझे मतलब ना इन चीज़ों से मुझे याद आता है, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये होता है। भाई गाइस अभी हो गए हैं 3 बज के ऊपर कुछ मिनट, तो सो व्लॉग मेरे 4 बजे अपलोड करना है, तो अभी मैं करती हूँ। मुझे लगता है अभी अपलोड होगा ना, तो तकरीबन भी 5 बजे ना हो, बस 4 बजे अपलोड हो जाए। कभी कभी नेट भी नहीं सही होता, और ये व्लॉग यहाँ ही एंड करते हैं। यही रूटीन है भाई, ये था आज का संडे का व्लॉग, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी विद योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय गाइस। तो हाँ बाय बाय करते हैं गाइस इधर ही व्लॉग को, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 4 बजे व्लॉग भी अपलोड करना है।